नमस्कार, एक्झोटिक वेब मीडिया डिजिटल चॅनल वर्ल्ड वाईड प्रेझेंट्स विश्व महिला दिन अंतर्गत एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में आज हमारे साथ है सूरत की जानी मानी पर्सनालिटी संगीता पाटिल जी, जो एक धारा सभ्य है। सबसे पहले संगीता जी, हम आपका स्वागत करेंगे और मैं विश्व महिला दिन की आपको शुभकामनाएं देती हूँ। तीर्थ भूषाल भाई ज्वेलर्स और एक्जोटिक परिवार की ओर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत सारे लोगों को अवार्ड्स देते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन आज हमें मौका मिला है आपका सम्मान करने का, तो हमें आज बहुत ही प्राउड फील होता है, अच्छा लग रहा है आज। और हम बात करेंगे आज संगीता पाटिल जी की लाइफ जर्नी, जो एक आज धारा सभ्य है लेकिन समाज के लिए भी बहुत कुछ करती है और ख़ास करके उनके जो विस्तार है वहाँ पे भी बहुत कुछ करती है। तो जानने की हम कोशिश करेंगे कि संगीता जी, आप राजनीति में कैसे गई, पहले आप क्या थी और अभी आप राजनीति में है, तो किस तरह से आपका सफ़र रहा? सबसे पहले मैं तो एक्जोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल के आपके यामिनी बेन जी आपको बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ कि आपके जो व्यूवर्स हैं और जो आपके देखने वाले जो ये हैं दर्शक मित्र हैं, तो वो 45 लाख से ऊपर हैं। आपको बहुत बहुत शुभेच्छा देती हूँ। दो ही साल में आपने इतना अच्छा बैकग्राउंड हासिल किया है, इसलिए आपको शुभेच्छा। साथ साथ में आपने बताया कि मैं पहले क्या करती थी जी, तो अभी जो काम आप कर रहे हैं वो पहले मैं किया करती थी जी जी जी। मैं एक चैनल था आई विटनेस चैनल, उसमें न्यूज़ रीडिंग करती थी, एंकरिंग करती थी जी। और एक चैनल लोकल चैनल था, उसमें हम लोग एक न्यूज़ रीडिंग ये सब करते थे। वहाँ से शुरुआत करके फिर 2007 में जब हमारा महिला मंडल शुरू हुआ है, मोदी समर्थक महिला मंडल जी, तो उसमें मोदी समर्थक महिला मंडल में मैं वाइस प्रेसिडेंट थी जी। उसी तरह हम आगे बढ़ते बढ़ते बहुत वहाँ पे काम हमने एनजीओ में शुरू किया और बहुत सारे लोग हमारे में जुड़े गए जी। जैसे कि 75,000 ओनली महिला लेडीज हमारे साथ जुड़ी गई हैं जी। और जुड़ने से फिर हमने अलग अलग नवसारी में उसकी ब्रांचेस चालू की, दिल्लीमोरा में चालू की, अलग अलग विस्तार वाइज हमने उधर वहाँ पे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट उनकी टीम बनाई जी। यहाँ की सूरत की बात करिए तो मेन हमारा महिला मंडल था, उसकी ब्रांचेस हर जगह पे हमने चालू किए। बाद में महिला मंडल चालू किया लेकिन नाम से चालू करने से कुछ नहीं होता है जी, उसमें एक्टिविटीज होनी चाहिए। एक्टिविटीज होने के बाद उसमें लोगों तक कैसे निचले स्तर तक कैसे पहुंचाया जाए, इसका हमारा उद्देश्य था। इसलिए हमने जो राज्य सरकार की स्कीम होती है, योजना होती है, केंद्र सरकार की योजना होती है, वो नीचे तक कैसे पहुंचे उस पर हमने ज़्यादातर ध्यान दिया जी। फिर जो विडोज है वो विडोज महिलाओं के लिए विधवा सहाय योजना है राज्य सरकार की, उसके लिए हमने बहुत काम किया और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो महिला होती है विडोज होती है उनको मालूम नहीं पड़ता है कि हमको कहा किस तरह से हमको ये पेंशन हमको मिलेगी। उनका फॉर्म भरने से लेके उनका पूरा जो आवक का दाखला होता है, इंक्रीमेंट सर्टिफिकेट होता है, वो निकालने से लेके हम लोग पूरा उनको जहाँ तक सबमिट करने से लेके हमने काम कराया और फिर काम करके उनको पेंशन शुरू करवा दी जी। और ऐसे थे, मुझे ऐसा लगता है कि हमने 20-25 हज़ार लोगों को हमारे मंडल द्वारा हमने ये उनको पेंशन दिलाना शुरू हो गया जी। साथ साथ उसके साथ साथ हमने महिलाओं के लिए कंप्यूटर क्लासेस चालू किए, उसके साथ साथ हमने सीवन क्लासेस चालू किए, अलग अलग विस्तार में अलग अलग लोगों के साथ बैठे और वार्ड वाइज विस्तार वाइज हमने सीवन क्लासेस चालू किए। सीवन क्लासेस में हम एक भी रुपया लेते नहीं थे, उनको फ्री ऑफ चार्ज हमने उनको प्रोवाइड किया। साथ साथ में जो लेडीज थी जो वो उनको जो सिखाती थी टीचर उनको हम सैलरी पे रख दिया था, लेकिन वो जो काम करती थी लोगों को लेडीज को सिखाने का जी, बहुत उनको भी एक पुण्य मिलता था, हमको भी एक बेसिक मिलता था कि हमने इतने लोगों को लेडीज को हमने सिखाया। वैसे भी उसी दौरान हमने बहुत सारे लोगों को ये सेवन क्लासेस का उन्होंने लिया सीखा, उसने बहुत सारे महिला ऐसी हैं
वो आज की तारीख में घर पे सिलाई काम करती है, मतलब आत्मनिर्भर है, सब बोल सकते हैं। आज की तारीख में वो खुद कमा के आत्मनिर्भर हो गई है। साथ साथ में जैसे सोलर चरखा हमने चालू किया, उसमें भी लोगों को एक एक चरखा घर घर में देके जो ले करे सीखे, उनको ट्रेनिंग शुरू सेंटर चालू किया। ट्रेनिंग सेंटर के बाद वो चरखा उनको प्रोवाइड किया, जिसकी वजह से वो खुद अपने घर पे वो सोलर चरखा चलाए, उसमें से किलो पे उनके जितना धागा वो तैयार करे उतना हम उसको पे करते थे। तो इस तरह से बहुत सारी महिलाओं हमारे साथ जुड़ती गई। साथ साथ में किसी का कुछ प्रॉब्लम हो, वृद्धाश्रम हो, अपंगशाय हो, ये जो सरकार की बहुत सारी स्कीमें होती है लेकिन लोगों को मालूम नहीं पड़ता है जी। तो उसको बेसिक में जाना, ग्राउंड लेवल पर काम करना, वो हमने किया है और करते रहते हैं जी, जी, जी। और दूसरी बात कही तो महिला मंडल के बाद जैसे 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 आगे बढ़ते हैं, आगे शुरू है और हल्दी कुंकू एक कार्यक्रम हम करते रहे। हल्दी कुंकू कार्यक्रम में ऐसा होता है, महाराष्ट्र बेसिकली हूँ, महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ, तो महाराष्ट्र में एक ऐसी प्रथा है 14 जनवरी के बाद जो तिलगुल बनाते हैं और उसमें एक लेडीज अपने घर पे 50-100 महिलाओं को बुलाकर तिलगुल देती है, कुछ ऐसा कुछ उपहार देती है और हल्दी कुंकुम लगाती है, जो सौभाग्यवती अखंड सौभाग्यवती रहे ऐसा उनको आशीर्वाद मिलता है, ऐसी प्रथा है। फिर ये प्रथा हमने थोड़ा पॉलिटिकल से लेके गए और हम पहले शुरू करके 4-4, 5-5 हज़ार महिलाओं से शुरू किया कि कभी पहले तो स्टार्टिंग में हमने 1000-1000 महिलाओं का चालू किया, फिर उनको उपहार देना, फिर हल्दी कुमकुम करना और उनमें जो हम कार्यक्रम करते थे उसमें एक ही हमारा उद्देश्य रहता था कि दहेज प्रथा नाबूदीकरण। बिल्कुल, जो विस्तार है उदना विस्तार है, जो लिंबायत विस्तार है, उसमें अभी भी बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होने के कारण बहुत सी गैर समझ होती रहती है, तो उसको कैसे हम दूर कर सकते हैं। उसकी जो दहेज प्रथा है, जो बेटी को ये मानते हैं, तो उसके लिए भी बहुत सारा काम हमने किया है जी, जी। तो वो जो कार्यक्रम करते थे एक साथ एक मंच पर हमको 3-3, 4-4, 5-5 हज़ार तक महिला मिल जाती थी, तो उसमें हम दहेज प्रथा नाबूदीकरण के आगे बढ़े। साथ साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारे मोदी साहब का सूत्र है उसके लिए हमने काम किया, और गर्भपात न हो, बेटी का जो दिक्री का गर्भपात नहीं हो उसके लिए हमने भार दिया। और मुझे आनंद भी है कि ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम हमने किए हैं। आज एक कार्यक्रम की बात करती हूँ तो एक कार्यक्रम में ऐसी थी तो 22-25 हज़ार लेडीज एक जगह पे थी और एक ही कार्यक्रम में हमने इतनी सारी लेडीज को बुलाकर उनको शपथ ली लाई कि हम दहेज नहीं लेंगे, हम बेटी गर्भपात नहीं करवाएंगे और गर्भ परीक्षण नहीं करवाएंगे। ये सब हमने उस टाइम संकल्प लिया था, महिलाओं से लिया था और साथ साथ में उसी जगह पे बहुत सारा इफेक्ट हमारे विस्तार में हुआ है, लिंबायत और उदना विस्तार में जी। और आज हमको जब महिलाओं इन्विटेशन लेने आती है तब ऐसे बोलते हैं महिलाओं कि मैडम हमने दहेज नहीं लिया है, आपको तो शादी में आना होगा जी। तो हमको भी आनंद मिलता है कि हम कुछ न कुछ करके थोड़ा बहुत तो हुई ना लेकिन हम थोड़ा सफल हो रहे हैं ऐसा करके करके आज इतने सालों के बाद बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत सारे महिलाओं आते हैं कि आज हमने दहेज नहीं लिया है। जो पुरुष प्रधान लोग हैं वो भी आते हैं कि हमने आज हमारी बहू आ रही है और हमारी बेटी जैसी हम मानते हैं तो उनको हमने एक भी दहेज नहीं लिया है तो आपको उसमें आना होगा जरूर। में हम लोग सभी जगह जाते रहते हैं, इस तरह से हमारी कार्यकर्ती शुरू हुई जी। तो इसीलिए तो संगीता जी बहुत ही अभी लोकप्रिय धारा सभ्य है, क्योंकि जिस तरह से मैं भी उनको देखते आई हूँ काफ़ी सालों से, मेरी भी जो मीडिया की जर्नी है 25 साल की है उसमें मैं उनको हमेशा देखती हूँ कि वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनका योगदान है। लेकिन ऐसा योगदान अगर एक महिला किसी को देती है तो बहुत बड़ी बात होती है, और
एवरी टाइम कुछ ना कुछ करते रहना। एक दिन भी वो घर पे शायद मुझे नहीं लगता है कि वो घर में बैठी होगी और कुछ उन्होंने नहीं किया होगा। और मतलब बार बार समाज के लिए कुछ सोचना और महिलाओं के लिए कुछ करना वो उनका पेशा है। मतलब कि उनको एक शौक भी है और वो हमेशा ऐसा चाहती है कि मैं हमेशा लोगों की मदद करूं और लोगों के साथ रहूं, ऐसा मैं मानती हूं। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ और जो गर्भपात करवाना, ये सब के लिए उन्होंने जो अवेयरनेस का कार्यक्रम की शुरुआत की और लोग जुड़ते गए और आज बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हैं और उनकी बातों को मानते हैं और उनको मतलब एक प्राउड फील करते कि नहीं, इतना उन्होंने बोला तो हम ये कर पाते हैं। आज ये सब चीज़ों उनका जो विस्तार है वो बहुत ही संवेदनशील विस्तार है। लिम्बायत सबको ही पता है कि बहुत ही संवेदनशील विस्तार है। उसमें काम करना, उसमें टके रहना और सबके बीच में रहना बहुत ही मुश्किल काम होता है। फिर भी ये संगीता जी कर रही है ऐसा काम। तो आगे चलते हैं, हम बात करते हैं वो धारा सभ्य कैसे बनी, वो भी हम जानना चाहेंगे। मैम, 2007 के बाद ये जो जैसे महिला मंडल चालू शुरू हुआ, फिर इसमें एक्टिविटीज़ बहुत सारी होती रही, अनेक लोगों के काम करते गए, जुड़ते गए, काफिला बनता गया। और फिर बाद में जब 2007 में मैंने कॉरपोरेशन की टिकट मांगी थी, कॉरपोरेटर बनने के मैं आई थी लेकिन बन नहीं पाई। 2010 में बहुत नाम चला था लेकिन नहीं मिली टिकट। फिर बाद में हमने 2012 में मुझे ये विधायक की टिकट मिली, एमएलए की टिकट मिली और आज मैं सेकंड टाइम के एमएलए हूँ। तो 2012 में हमने हमको ये विधायक बनने के बाद जो मेरा विस्तार है आपने देखा है, सुना है कि सूरत में लिम्बायत विस्तार पहले कैसा था, लेकिन आप अभी आएंगे तो आफ्टर और बिफोर और आफ्टर आप देखेंगे तो बहुत उसमें फर्क पड़ चेंज हुआ है। और उसी वजह से आज मैंने जैसे जिस तरह से हमने ग्राउंड लेवल पर काम किया है, लोग भी अभी बहुत मानते हैं। मेरे 3-3, 4-4 साल का बच्चा मेरा नाम लेकर बोलता है, कहता है संगीता पाटिल आई है। तो ये हमने इतना काम किया है, काम की वजह से लोग पहचानते हैं। साथ साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि जिस तरह से लोगों को, हर एक लोगों पर, ऐसा नहीं कि खाली विधायक बनने के बाद, जो जो लोग कुछ भी समस्या लेके आते हैं तो उनको प्रायोरिटी में लेना, वो हमारा पहला उद्देश्य था। और उनका काम संतोष होकर वो जाए, ये हमारी प्रायोरिटी थी। तो ऐसा काम हमने किया है। आज भी आपने देखा होगा हमारा, जब से कोरोना चालू हुआ है, लॉकडाउन 22 शायद मुझे ऐसे लगता है 22 मार्च से लेके 2020 से लेके आज तक मैं कभी घर पे कभी नहीं बैठी। जी, मुझे पता और है। कभी बैठी नहीं हूँ, एक एक गली में घूमी हूँ, एक एक गली में सोसाइटी में जा जाकर किसी को कुछ चाहिए, किसी को क्या चाहिए, क्या समस्या है, और सैनिटाइजर हो, मास्क वितरण हो, सैनिटाइजर वितरण हो, राशन के किट का वितरण हो, हमने उनपे घर घर में जाके दिया है, प्रोवाइड किया है। लेकिन तब बहुत हाव था, पैनिक लोग होते थे, बाहर निकलते नहीं थे। उसी दौरान हम बाहर निकल के, हमारी टीम, हमारी भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम मेरे साथ आती थी, हम बाहर निकल कर उनको जो जो समस्या थी, हमने तो कांदा, जो प्याज और ये आता है बटाका, वो भी हमने उस टाइम दिया है, सब्जी दी है, जिनको जिनको चप्पल्स चाहिए वो चप्पल्स भी हमने दिए हैं। ऐसा बहुत ऐसा काम किया है कोरोना के एक सालों में और आज तक कर रहे हैं, कर रहे हैं। अभी भी जो दिव्यांग लोग हैं तो उनको भी कुछ ना कुछ व्हीलचेयर चाहिए होता है, लकड़ी चाहिए होती है, फिर या टॉयलेट किट हो, टॉयलेट की जो सीट आती है वो हो, साइकिल हो, ट्राइसाइकिल हो, ऐसे जो कि जो दिव्यांग की जो साधन सामग्री है वो हम लोग प्रोवाइड करते रहते हैं। और ऐसे लोगों से हम जुड़ते गए हैं और लोग भी अभी मानते हैं, नहीं यहाँ पे बहुत सारा काम हुआ है। हमारे लिम्बायत विस्तार में पक्की सड़कें नहीं थी, हमने आरसीसी रोड बनाए हैं और इसी तरह डेवलपिंग किया है। तो आज लोग कहते हैं, नहीं बहुत सारा काम, लिम्बायत में ब्रिज नहीं था, ब्रिजेस आ गए, बहुत सारे ब्रिज हो गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत करना है, करते रहेंगे, सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा तो और उसमें काम करते रहेंगे। जी, और जिस तरह से संगीता जी इतनी उत्साही है तो बनता है कि वो ज़रूर कुछ ना कुछ और भी आगे करेंगी। और हम प्राउड करते हैं कि हमारे सूरत में
ऐसी हमारी धारा सभ्य जो है वो भी लिबायत विस्तार में, इतना संवेदनशील विस्तार में वो काम करती है। साथ में ऐसा नहीं है कि उनके विस्तार के लिए ही वो काम करती है, मुझे जहाँ तक पता है कि वो बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ करती है। पूरे सूरत में भी अगर कुछ कोई भी उनके पास जाता है तो कभी वो उनके पास से वो निराश होकर नहीं जाता है, वो भी मुझे पता है, इसलिए ही मैं उनकी इतनी तारीफ़ कर रही हूँ। अदरवाइज़ तो बोलते हैं कि जिनको पता होता है, जो काम करता है उनको ही पता होता है कि वो किस तरह से काम करता है, और जिस तरह से वो पब्लिक पर्सनालिटी जब होती है उनको सभी सिचुएशन में काम करना पड़ता है, चाहे कोरोना आ जाए, चाहे कोई भी मुसीबत आ जाए, तब इन लोगों को बाहर आके ज़्यादा काम करना पड़ता है, बाहर निकलना पड़ता है, और वो भी एक महिला। तो हम बिल्कुल भी प्राउड करते हैं और सराहनीय है उनके जो कार्य वो करती है उसमें। और साथ में आगे बात करते हैं कि वो धारा सभ्य तो बनी, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो एक काम किया है कि पीएसी विधानसभा कमेटी में भी वो मेंबर है, तो मैम आप उसमें वो क्या काम करती है जी? जो आज मैं विधायक हूँ, एमएलए हूँ, सेकंड टर्म ये हूँ, लास्ट टर्म में भी मैं सदस्य निवास कमेटी में थी, हाउसिंग कमेटी में थी जी, साथ में एक जो स्टैंडिंग कमेटी आती है उसमें थी जी, और ऐसे दो चार कमेटी थी, और इस बार पीएससी कमेटी जो पब्लिक अकाउंटेंट कमेटी है उसमें हूँ। और बहुत इम्पोर्टेंट से ये कमेटी होती है, उसमें सभी जो विभाग होते हैं सचिवालय के या मिनिस्टर के सभी विभाग जो होते हैं, तो उसमें ये कमेटी के अकाउंट्स का चेक करना ये एक कमेटी के लोग करते हैं जी। तो उसमें एक कमेटी में आने के बाद बहुत सीखने को मिलता है और बहुत कांटेक्ट भी होते हैं जी। और इसी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट कमेटी में आपको दिया गया दिया गया है। जी, जी, जी। और साथ साथ में विधानसभा में भी जो अपने विस्तार का सूरत का प्रश्न हो, सूरत हो, फिर विधानसभा में गुजरात का प्रश्न हो या कुछ भी सवाल उठाना हो, तो हम लोग अंदर विधानसभा में स्पीच के तौर में लेते हैं। और अभी भी इस बार हमारा बजट सेक्शन चल रहा है जी, अभी भी दो चार दिन बाकी हैं, और बहुत बार हमने स्पीचेस में मुझे दिया गया है, सभी अलग अलग सब्जेक्ट पे मैंने मेरी स्पीच भी दी है। अभी भी 31 तारीख को मेरी स्पीच है जो वृद्धि, कुटुंब वृद्धि प्रोत्साहित, उसमें मुझे बोलना है जी। तो इसी तरह जो सामाजिक ये होते हैं, कार्य होते हैं, उसमें बहुत इंटरेस्ट आता है, और ये इधर साथ में सत्ता मिलने से बहुत उसका आसान सभी जगह हो जाता है। पूरे सूरत के लोग मेरे पास आते हैं, उनको संतोष देना, उनको निराश नहीं करना, ये मेरी प्रायोरिटी होती है, इसलिए इसे हम काम करते रहे जी। जी, बहुत ही अच्छी बात है। और आज संगीता जी से मिलके हमें भी बहुत अच्छा लगा, और आज उनकी जो लाइफ जर्नी थी जो हमारे साथ उन्होंने आज शेयर की है, तो सभी हमारी जो जनता है, हमारे दर्शक है, हमारे पूरे वर्ल्ड वाइड में दर्शक है, चाहे सूरत हो, चाहे गुजरात हो, चाहे मुंबई हो, महाराष्ट्र हो और यूएसए हो, सभी जगह पे पूरे वर्ल्ड में हमारे दर्शक आज देख रहे हैं कि संगीता पाटिल जी आज हमारे साथ है और उनकी लाइफ जर्नी उन्होंने हमारे साथ शेयर की। और हम चाहते हैं कि मैम आप और भी आगे बढ़ती रहे और समाज के लिए सेवा करती रहे, और जिस तरह से अभी तो आप धारा सभ्य है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको बहुत बड़ी ऐसी पोस्ट भी मिल जाए तो आप और भी अच्छा काम करेगी। ज़रूरी नहीं है कि पोस्ट मिले ना मिले, लेकिन काम करना है तो करना ही है, वो आप करते ही है हमेशा। तो आगे बात हमने की एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में, संगीता पाटिल जी हमारे साथ थी जो अभी धारा सभ्य है। लेकिन जाने से पहले मैम एक और बात पूछना चाहूँगी कि आपका परिवार आपको किस तरह से, इतना सारा आप काम करती है, पूरा दिन बाहर रहती है, तो परिवार को आप कैसे मैनेज करती है और परिवार किस तरह से आपको सपोर्ट करता है? हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, मेरे सास ससुर मेरे साथ रहते हैं जी। और मेरे ससुर अभी थोड़े दिन थोड़े साल पहले ऑफ हो गए, मेरी सास है अभी 88 इयर्स की है, उनको भी संभालना है, अभी उनके उनके साथ कुछ काम ऐसा कुछ होता नहीं है, और उनके भी सब मैनेज करते रहते हैं। एक बार नारी जो मान लेती है कि हमको इसमें ये भी करना है वो भी करना है, तो एक महिला इतनी हिम्मतवान होती है तो सभी जगह एडजस्ट करती है। मुझे दो बच्चे हैं, एक MBA कर रहा है जी, और एक अभी कॉलेज का पहले साल में उसने एडमिशन लिया है जी, जी, जी। तो साथ साथ में सभी पहले जब शुरू में बहुत तकलीफ होती थी, लेकिन हमने तो प्रायोरिटी समाज को दी है, लोगों को दी है,
वो उसके साथ सर हम सब मैं एडजस्ट करते रहे करते रहे, और अभी तो एडजस्ट हो गए, अभी बच्चे भी बहुत बड़े हो गए, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत तब बच्चे बोलते हैं मम्मी हमको तो टाइम नहीं मिलता जी, है, देती नहीं है, जब मैं घर पे जाती थी तब बच्चे सो जाते थे, ऐसा चलता है, फिर सुबह एक दो घंटे मिलते हैं उतना ही है, बाकी तो ठीक है, अभी ये दोनों में ये तो रखना पड़ेगा, दोनों के साथ साथ चलना पड़ेगा, और बच्चे तो अभी रूटीन में आ गए, उनको बोलते हैं जब टाइम मिलता है तब हम लोग हंस खेल लेते हैं, जी 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 ऐसा एडजस्ट हो रहा है करते हैं जी जी। बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि परिवार के साथ रह के परिवार को साथ मिला के मतलब सपोर्ट लेके अगर जो परिवार का सपोर्ट नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरह से संगीता जी सब को प्रायोरिटी दे रही है, परिवार को भी दे रही है, और ज़्यादातर उनका जो समाज के प्रति लगाव, समाज के प्रति जो प्रेम है, उनके लिए वो बहुत कुछ करती है, ऐसी संगीता जी आज हमारे साथ थी। जाते जाते संगीता जी एक हमारी महिलाओं को एक मैसेज भी दे दीजिए क्योंकि ये हमारा विश्व महिला दिन अंतर्गत ये शो है, तो आप क्या कहना चाहेंगी? आजकल की नारी बहुत शक्तिवान है, हिम्मतवान है, और इसीलिए एक नारी दो परिवार को संभालती है जी। जब वो घर माँ बाप के घर रहती है तब उनके माँ बाप का घर भी संभालती रही है, जब वो शादी करके दूसरे के घर जाती है तभी उसकी पूरी जिम्मेदारी वो संभालती है जी, जी। कहते हैं ना यत्र नारी तो पूजते तत्र रमते तत्र देवता, यारी का जहाँ जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ देवता का वास होता है जी। तो उसी तरह आप जहाँ जहाँ भी देखें कि नारी का जहाँ जहाँ सम्मान हुआ है उधर जहाँ जहाँ घर पे भी सम्मान हुआ है तो वहाँ देवता का वास होता है, लक्ष्मी जी का वास रहता है जी। और आज की नारी को यही मैं बताना चाहती हूँ कि आप भगवान ने सबको कुछ ना कुछ ऐसी कला दी है, वो कला को हम बाहर लाना है, और बाहर लाने से देखना है कि हमें कौन सी कला है जी। और उस लाइन में जाना है और उसी क्षेत्र को हम आगे बढ़ते जी। रहेंगे जी। तो सभी महिलाओं को मैं बताना चाहती हूँ कि आप में बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारी कलाओं हैं, आप बाहर आओ, आपकी कलाओं को पहचानो और लोगों को वो दिखाओ, और अलग अलग क्षेत्र में कोई आज डॉक्टर है, इंजीनियर है, IPS है, कोई आज आप देखते हो आज मैं MLA हूँ, आज ये जो यमिनी बहन है एक अलग क्षेत्र में उनका डिजिटल चैनल में वो आगे बढ़ रही है, तो महिलाओं में इतनी शक्ति होती है तो महिला कुछ जो ठान लेती है वो कर सकती है, इसलिए महिलाओं बहुत शक्तिशाली है, महिलाओं का सम्मान भी करना है, और हमारे जो विस्तार आपने देखा है कि गुजरात गवर्नमेंट और सभी देशवासियों और देश की गवर्नमेंट भी महिलाओं को बहुत सारा सम्मान दिया है, महिलाओं को अलग अलग महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाओं भी निकाली हैं, जैसे हैं सुकन्या समृद्धि योजना, वाली दिक्री योजना हमारी यहाँ की है, सुकन्या समृद्धि योजना सेंटर की है, तो ऐसी जैसी योजना है महिलाओं को लिए हमारी गवर्नमेंट मानती है कि महिलाओं का सम्मान करना है, महिलाओं को आगे बढ़ाना है, महिलाओं को पढ़ाना है, इसीलिए ये सब योजना गवर्नमेंट ने निकाली है, तो ये सम्मान वाली बात है, और हमारा देश हमारी नारी संस्कृति को बहुत आगे लेकर चल रहा है, इसीलिए हमारे देश में नारी को पूजा जाता है, और महिलाओं को यही बताना चाहती हूँ कि आप बाहर निकलो, योगदान दो, श्रेष्ठ बनो और श्रेष्ठ रहो। नमस्कार। बहुत ही अच्छी बात कही, तो मैं भी ये हमारा जो शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ, तो मैं भी कुछ लाइन बोलना चाहूँगी कि किसी भी स्त्री के लिए हर रिश्ते से बड़ा है उसका आत्मसम्मान, और इस तरह से हमारे ये शो है एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में, हमारे साथ आज थी संगीता पाटिल जी जो एक धारा सभ्य है सूरत की, और हमसे उनकी लाइफ जर्नी आज हमारे साथ शेयर की। मैम बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पे पधारे और आपकी लाइफ जर्नी हमारे साथ शेयर की। तो मिलते हैं एग्जोटिक वेबीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में एक मुलाकात आत्मनिर्भर नारी के साथ में नेक्स्ट एपिसोड में, जब तक मिलेंगे वापस तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू।